और ये सब प्यारी प्यारी चिड़िया, ये देखें, ये देख सकते हैं आप। और इधर भाई बहुत हंस, बहुत प्यारे प्यारे हंस है। इधर सब मुर्गी के बच्चे, ये देख सकते हैं। ये बिल्ली है, ये कैसा देख रही है, ये बिल्ली भी बहुत, ये बड़ा बिल्ली है, ऐसा बिल्ली तो मैंने देखा ही नहीं था। जैसा दे रो रही है भाई, उसको कैद करके रखे हैं। ये रास्ता, ये पूरा मार्केट है, ये देखें। और इधर आपको बहुत ही सस्ते सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे दिल्ली में आपको सस्ते कपड़े मिलते हैं, वैसे यहाँ पे भी मिलता है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम आ चुके हैं भोपाल के जहांगीराबाद मार्केट में। और हम आपको बता दें, पहले हम यहाँ पे पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे, डिप्लोमा करते थे, तो हम यहीं पर रहा करते थे। यहाँ पे ये बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पे बहुत ही सस्ता सस्ता कपड़े जूते सब मिलते हैं। ये देख सकते हैं पीछे जूते की शॉप है। और यहाँ पे ये जगह बिरयानी के लिए ज़्यादा फेमस है, ये देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से बिरयानी खा चुके हैं, सुबह सुबह आए हैं, तो भूख लगी तो बिरयानी खा लीजिए। और अभी हम ये देख सकते हैं मार्केट में, ये पीछे मस्जिद है, ये बहुत ही बड़ी मस्जिद है। और अभी ये चलते हैं, हम आपको ये जो दिखा रहे हैं ये कपड़ा मार्केट है, इसके पीछे अभी हम लोगों को मिलेगा चिड़िया मार्केट। चिड़िया मार्केट आपको दिखाएंगे, फिर यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, झील है, हम वो दिखाते हैं आपको। चलिए, आप लोग वीडियो बन रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। चलिए चलते हैं। अभी ये देख सकते हैं हमारे साथ ये है परवेश भाई, हम लोग स्कूटी से आए हुए हैं, हमारे फ्रेंड का स्कूटी, हम लोग घूमने ही आए हैं, दोनों लोग दिल्ली से आए हैं। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आपको मिलते हैं आगे। ये रास्ता, ये पूरा मार्केट है, ये देखें। और इधर आपको बहुत ही सस्ते सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे दिल्ली में आपको सस्ते कपड़े मिलते हैं, वैसे यहाँ पे भी मिलता है। और आपको बता दूँ, जैसे दिल्ली में भी रेट होता है ना, बोलते हैं 1,000-2,000 ऐसे, लेकिन देते हैं 600-700, वैसे यहाँ पर भी है। और अभी ये हम जा रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये कपड़ा मार्केट। और इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो चिड़िया मार्केट पड़ेगा, तो हम आपको चलते हैं चिड़िया मार्केट, दिखाते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी चिड़िया भी बिकती है और यहाँ पर डॉग भी मिलते हैं। डॉग क्या बता सकते हैं, ये बिल्ली सब है, ये बिल्ली है। यहाँ पर पूरी चिड़िया मिलती है, डॉग मिलते हैं, मुर्गी भी मिलती है, सब कबूतर, ये देख सकते हैं। अब आ गए हैं, ये मछली है। यहाँ जाम लग चुका है, देख सकते हैं लोग फंस चुके हैं। और अभी जगह थोड़ा आगे जा रहे हैं, ये देखें, ये कबूतर है, सब चिड़िया का शौक है। आगे निकलते हैं, पहले भीड़ है बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये कबूतर का शौक है। और यहाँ पे डॉग भी मिल जाएगा। और इधर आएंगे, ये देख सकते हैं पूरा चिड़िया का है ये। और ये भाई साहब, ये इसमें पूरा भीड़ लगा है, रोड जाम कर दिए हैं। और इधर आगे थोड़ा सा आगे, ये देखें, यहाँ पे सब मुर्गी मिल रही है, मुर्गी बत्तख सब आपको मिलेंगे। ये देखें हंस यहाँ पे हैं, ये हंस बहुत प्यारे प्यारे हंस है। इधर सब मुर्गी के बच्चे, ये देख सकते हैं, ये बिल्ली है, ये कैसा देख रही है, ये बिल्ली बहुत, ये बड़ा बिल्ली है, ऐसा बिल्ली तो मैंने देखा ही नहीं था। जैसे रो रही है भाई, उसको कैद करके रखे हैं। कबूतर, ये देखें, ये सब मुर्गी, इधर मुर्गी आपको पूरे मिलेंगे, ये देख सकते हैं। और ये सब प्यारी प्यारी चिड़िया, ये देखें, ये देख सकते हैं आप। और इधर भाई बहुत ही भीड़ होता है। और ये देख सकते, ये अंडे मिल रहे हैं देसी मुर्गे के, मुर्गी के। और ये सब मुर्गे हैं, ये देखें, पूरी मुर्गी बाजार लगे, इसका नाम ही है मुर्गी बाजार या चिड़िया बाजार, दोनों बोलते हैं इसको। ये देखें, ये मुर्गे, ये हंस, ये देखें, ये ककड़ा था मुर्गे, काले मुर्गे। गाइस, अभी हमने आपको पूरा ये मार्केट दिखा दिया। अब इसके जस्ट बगल में एक है पार्क, अभी उसको हम पार्क के पास आ चुके हैं। और इधर सब आएंगे इस साइड, तो इधर सब ये सस्ते कपड़े जो रेडी पे मिलते हैं, ऐसे इधर सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने अब अपना गाड़ी लगा दिया है और स्कूटी, अब हम चलेंगे पार्क में। और ये पीछे देख सकते हैं, ये डी मार्ट है, पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर शॉपिंग, ये जो हमारे ग्रोसरी के सामान होते हैं, सारे ग्रोसरी के सामान मिल जाएंगे और सस्ते कपड़े भी यहाँ पर मिलते हैं डी मार्ट में। और ये पीछे हमारा पार्क है, इसमें लेजर शो भी चलता है, लेजर शो 7 में होता है, शाम को 7 बजे, तो लेजर शो अभी नहीं देख पाएंगे। और ये जहांगीराबाद बहुत ही फेमस जगह है, क्योंकि यहीं पे सांसद भवन है, जो यहाँ पे मुख्यमंत्री जो होते हैं शिवराज सिंह चौहान, वो यहीं पे रहते हैं, और सारे विधायक यहीं पे रहते हैं, जो हमारा संसद में मीटिंग होता है सारे,
वो सांसद बने हैं, उसका भी हम वीडियो आपको सेपरेट बना के दिखाएंगे। अभी चलते हैं, फिलहाल पार्क और झील दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं पार्क में। अब यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली एंट्री फ्री है, कोई फी पैसा नहीं लगता है। और आगे मेन गेट से हम बाहर निकल जाएंगे, ये देख सकते हैं ये गार्डन है, कितना खूबसूरत गार्डन है। यहाँ पे जब हम लोग पढ़ाई करते थे शाम को, जब पढ़े कॉलेज से आते थे शाम को टाइम वॉकिंग के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए यहाँ पे आके हम लोग बैठा करते थे। ये वही जगह है, सभी दोस्त आते थे और यहीं पे हम लोग कुछ प्लान करते थे, कहीं जाने का या पढ़ाई करने का, असाइनमेंट करने का, सब कुछ। और जस्ट इसके सामने देख सकते हैं ये झील है, इस झील की वजह से और ये पार्क की वजह से इसकी खूबसूरती इतना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या बताएं। और वह हमेशा यहाँ पे हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, क्योंकि पास में ही पानी है, इसलिए शाम के टाइम रात में, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और सामने ये देख सकते हैं ये है मंदिर, ये बहुत ही फेमस मंदिर है, यहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं और ये बहुत फेमस है। यहाँ पे ये जाएंगे देखेंगे आगे, और इस साइड आप जाएंगे देखेंगे सुसाइड पॉइंट के नाम से फेमस है, सुसाइड पॉइंट जगह है उसका, तो सुसाइड पॉइंट एक्चुअली उसका इसलिए नाम है क्योंकि उसकी बहुत ही हाइट पर बना हुआ है और वहाँ पर घूमने की जगह है वो। और ये देख सकते हैं पूरा ये भोपाल जगह जो पूरे झील के किनारे बसा हुआ है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है सारा इसका व्यू, पूरा झील के किनारे ये बसा हुआ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ इसे बता दें, इसमें मछलियाँ भी मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती है इसमें, ये दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर लोग मछली, ये देख सकते हैं लोग मछली मार रहे हैं, देख लिए भाई, ये देखे इनके में मछली आ गई, ये देख सकते हैं कि भाई साहब भाई यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा और पुरानी यादें ताज़ा हो गई बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पूरे 6 ईयर के बाद आए हैं, जब हमने डिप्लोमा 2017 में फाइनल किया था और यहीं पे पूरे हमने 4 साल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद पूरा यादें ताज़ा हो गई भाई, और कॉलेज टाइम पूरा याद आ गया, पुरानी बातें सारी याद आ रही हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग शाम के टाइम सभी दोस्त मिलते थे, हम लोग बातें वा कर किया करते थे, और कॉलेज से भी कोई नए नए दोस्त आते थे तो हम लोग यहीं पर घूमने आया करते थे। और बाकी देखते थे आगे से एक बैठने की जगह है किनारे, जहाँ से बोटिंग मिलती है वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो बोट नहीं मिलेगा, शाम के टाइम चलते हैं, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है, दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं ये पार्क के अंदर ही 16 शौचालय बनाया गया है, जो कि ये चार्जेबल है, चार्ज लगता है इसमें जाने के लिए ये, लेकिन सुविधा अच्छी है, सस्ती है काफ़ी, ज़्यादा पैसा नहीं लगते। और ये पहले नहीं था, ये अभी देख सकते हैं बना है, ये डेवलप हुआ है भाई, देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी कोई फंक्शन चलने वाला है, ऐसा लग रहा है कोई नेता आने वाले हैं, देख सकते हैं इसी को सजाया जा रहा है यहाँ पे। और ये बाकी देखें यहाँ पे लोग बैठे हैं, शाम को आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ मिलेगा भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलता है। ये इसको अभी डेवलप किया गया है, इसको आरिफ मसूद यहाँ पे कोई विधायक है, उन्होंने डेवलप करवाया है। और ये जो किनारे देख रहे हैं, ये भी पहले ये रेलिंग नहीं लगा हुआ था, अब लगा है, पहले ये खाली था तो हम लोग यहाँ से जा कर बैठा करते थे। ये देखें ये किनारे यहाँ पर बैठते थे, हवा लगती थी बढ़िया काफ़ी, ये देख सकते हैं पूरा पानी की लहर है, पूरा ये झील है, बहुत दूर तक है ये झील। उस साइड आप जाएंगे उधर तो लेक व्यू है, हम आज जाएंगे शाम को लेक व्यू तो बोटिंग करने के लिए भी, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और आइए अब चलते हैं आगे, ये देखें अभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, अब आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं जहाँ पे लेजर शो होता है। ये देखें ये है टिकट घर, यहाँ पे लेजर शो चलता है, यहाँ पे शाम को टिकट मिलती है। और ये एंट्री गेट ही देख सकते हैं, ये यहीं से एंट्री किया जाता है, और एंट्री इसका फ्री है, लेकिन लेजर शो के लिए आपको पैसा लगेगा। ये देख सकते हैं ये अंदर, इसका अंदर लेजर शो चलता है। और हम यहाँ से अभी बाहर निकलते हैं, और एक आपको यहाँ का पूल है जो यहाँ से पानी झरने की जैसे गिरता है, वो आपको हम दिखाते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, वहीं पर एंड करेंगे आपको लास्ट शो दिखा के। आइए चलिए दिखाते हैं उसको, हम आ गए अब मेन रोड पर, ये मेन रोड पर ही मिलेगा, चलते हैं आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं गाइस ये है, ये पूल है पूरा, और ये देखें यही झील है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पानी आता है, यहाँ पे ये पानी को रोका जाता है, होल्ड किया गया है, लेकिन यहाँ पे आगे इस साइड जाएंगे तो एक बड़ा सा नाला बना हुआ है, उसमें पानी जाता है पूरा। ये देखें ये रोड है, ये सामने मंदिर, इधर भी एक पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, बड़ा पार्क है। और देखें यहाँ पे ये पानी गिर रहा है, ये झरना है पानी, ये नाला में पानी जा रहा है, और यहाँ पे मछली के लिए भी लगाया गया, मछली लोग मारते हैं। आपको गाइस बता दें हम, अब तो हम ये पूरा आपको दिखा दिए, ये जहांगीराबाद है, बहुत इसको एक्सप्लोर करना है, छोटा बांध है, बहुत बड़ी जगह है ये,
लेकिन ये जो फेमस जगह थी वो आपको दिखा दिया। और यहाँ पे है एक लाल परेड, लाल परेड है जहाँ पे 15 अगस्त झंडा फहराया जाता है। यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री हमारे ये यहीं पे आते हैं हमेशा, कहीं जाते हैं तो उनकी फ़्लाइट यहीं से होती है, पर्सनल हेलीकॉप्टर उनका यहीं पर आता है। और मोदी जी भी पहली बार 2014 के चुनाव जीते थे तो वहीं पर आए थे, वहीं पर सारा टेंट लगता है और 15 अगस्त की पूरी तैयारी वहीं चलती है। और ये बता दूँ कि ये इंडिया का सबसे दो नंबर पे ग्रीन सिटी आता है, क्लीनिंग सिटी है, सबसे क्लीन यहाँ पर ये एरिया है भोपाल। एक नंबर में है आपका ऐप, एक नंबर में इंदौर है और दो नंबर में भोपाल, यानी कि दोनों के दोनों प्राइज ये विनिंग प्राइज यही जीत अपने पास रखा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और चलिए दोस्त आप आगे चलते हैं, हम अभी जा रहे हैं दूसरी जगह शूट के लिए, अब यहाँ से फिर हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। और अभी हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलेंगे हम लोगों से दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।